नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल पर स्वागत है। आज की वीडियो में हम, जैसा कि आप दोस्तों ने मुझे मैसेज करा है कि आप हमें नागिन धुन बजानी सिखाएं, आपकी फरमाइश पर मैं आज नागिन धुन बजाने आपको सिखाऊंगा। बहुत ही आसान तरीका है नागिन धुन बजाने का। आओ सबसे पहले एक बार ये सुन लें ये किस तरह से बजती है। आपने इसको तार सप्तक वाले जो ये है, तार सप्तक वाला सार, वहाँ से इसको प्ले करना है। एक बार पहले सुनो कैसे करना है, फिर उसके बाद फिर हम ये स्लो करके सीखेंगे। ध्यान से देखो। इस तरह से आप इसको बजाना सीखेंगे। आज मैं कोशिश करूंगा कि आपको मैं बहुत ही शांत तरीके से ये बजाना सिखाऊं। इसको हम सीखेंगे मध्य सप्तक के पहले काले से, बट इसको आपने बजाना है ता सप्तक के पहले काले से। वहां इसकी साउंड बहुत अच्छी निकलती है। आओ स्टार्ट करते हैं जी। इसका जो कोड है वो है सा गा कोमल और पा, या आप पा नीचे वाला मध्य सप्तक वाला प्रेस कर सकते हो, सा गा, ठीक है, आपकी मर्जी है। ये शुरू करते हैं। रे सा गा सा रे नी सा सा रे सा गा सा रे नी सा सा। गा कोमल यूज होएगा और नी कोमल यूज होएगा, ध्यान से देखें। रे सा गा सा रे नी सा सा रे सा गा सा रे नी सा सा, वही धुन बजी है। यहां पर मैंने सा सा प्रेस करके रखा है, ठीक है, जैसे कि सा सा, मैंने ऐसे नहीं करा ये, आपने भी इसको प्रेस करके रखना है, ठीक है। स्लो कर रहा हूं। रे सा गा सा रे नी सा रे सा गा सा रे नी सा। आगे सा गा धा कोमल होएगा यूज, ठीक है। सा गा बन गई। फिर देखिए सरगम क्या बनती है इसकी। सा गा पा धा पा धा पा धा पा सा गा मा पा मा पा मा गा रे सा। जब आप ये पार्ट करेंगे तो इसमें आपने क्या करना है, स्लो करने जा रहा हूं। साथ में ये हल्के हल्के प्रेस करने हैं आपने स्वर, ठीक है, इसे बोलते हैं कर्ण। ओके, सही
साथ में ही। रे सा गा सा रे नी सा, रे सा गा सा रे नी सा। इस तरह से आप इसको आसान तरीके से बजाना सीख जाएंगे। बस आपने एक बात याद रखनी है, इसको तार सप्तक वाले सर पे बजाना है, ठीक है। जैसे कि इस तरह से आप ये बजाना सीख जाएंगे। नमस्कार दोस्तों।